Hello students, good morning to all. Today we are discuss our PT exam, okay? Are you ready? So sit carefully. Come to our first question. Complete these sentences with the correct pronouns. I have lost my pen. Please help me find it. मेरा पेन खो गया है, मुझे इसे ढूंढने में हेल्प करो. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट. हेयर यू विल राइट इट. बी क्वेश्चन. बेटा इसमें बहुत बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया. मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ आपसे मिस्टेक क्यों हुई. डैश इज मैट्स हाउस ओवर देयर. यहाँ पे देयर दिया था बेटा. देयर किसको शो करता है? फार को. तो हेयर यू हैव टू राइट दैट. तो आपको यहाँ दैट लिखना था. यदि यहाँ पर हेयर दिया होता तो आप क्या लिखते? दिस. सो लिसन इट केयरफुली अगेन. देयर दिया है तो क्या आना चाहिए? दैट. यदि हेयर दिया होता तो क्या आता? दिस. हेयर शो टू नियर बाय एंड दैट शो टू फार. ओके बेटा, कम टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. यूज अन यू एन आई एम एंड आई एन टू फॉर्म द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स की अपोजिट बनाने हैं. क्या यूज करके? यू एन आई एम और आई एन. ओके. इम्पोलाइट अनइवन. पोलाइट से पहले क्या आ जाएगा? आई एम. और इवन से पहले क्या आ जाएगा? यू एन. ओके. और ये से क्या बन जाएंगे? अपोजिट. थर्ड, टिक द करेक्ट आंसर. द माइटी डैश कर्व्ड मास ऑफ स्टोन. मास ऑफ स्टोन को कर्व करके क्या बनाया गया है? सिफिक्स. द माइटी सिफिक्स. यू सो यू हैव टू टिक ऑन सिफिक्स ऑप्शन. नेक्स्ट, एज टाइम अनफॉल्ड्स बीनीथ द सन. So you have to tick on sun option. Fourth, mark these sentences as true or not true. Matilda wrote a poem about her school. क्या Matilda ने poem अपने school के बारे में लिखी थी? Not true. किसके बारे में लिखी थी? अपनी teacher पर. Matilda was only 5.5 years old. Yes, true. So your answer will be A, not true, and B, true. Complete these sentences with the correct forms of the verbs in the bracket. यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फिल करनी थी. डैश यू डैश योर ब्रेकफास्ट यस्टरडे. यस्टरडे शो टू द पास्ट. डिड यू ईट. ओके. डैश मेगा डैश हर रूम्स एवरी डे. एवरी डे शो टू द प्रेजेंट. डज मेगा क्लीन हर रूम एवरी डे. क्वेश्चन नंबर 6. चेंज दीज वर्ड्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग एस ES, VS and IS. Hoof. F हटा के क्या आ जाएगा? VS. Hooves. Sandwich. CH है तो क्या आएगा? ES. Sandwiches. Write the meaning of the following words. Startlet means shocked. Spud means yes, a tool used for digging. 8. Write the following answer in brief. Who are the people the speaker talks about? जो people है, जो स्पीकर है, वो कौन से लोगों के बारे में बात कर रहा था? यस, कौन कौन था उसमें? गार्डनर, होकर एंड वॉचमैन. हु न्यू द टेबल? मैटिल्टा न्यू द टेबल. व्हाट आर द कैरावेंस कैरिंग? कैरावेंस क्या कैरी कर रही थी? गोल्ड एंड सिल्क. व्हाट रिवार्ड डिड द किंग गिव टू द राजा वर्मा? किंग ने राजा वर्मा को क्या रिवार्ड दिया? यस, उसे क्या पोस्ट दे दी? यस, अपने कोर्ट, अपनी जो कोर्ट है उसमें चीफ मिनिस्टर की. राइट द आंसर इन डिटेल. वट स्टार्टलेट मिस हनी द मोस्ट? मिस हनी को किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा शॉक्ड किया? मिस हनी सबसे ज़्यादा इस चीज़ से शॉक्ड हुई. मैटिल्टा को सिर्फ पोइम बोलना नहीं आता था, शी न्यू हाउ टू राइट द पोइम. वो ये भी जानती थी कि पोइम को कैसे राइट करना है. ओके बेटा, दिस इज आर पीटी एग्जाम. ये हमारा पीटी एग्जाम पेपर था. इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिविजन फॉर आर हाफ अर्ली एग्जाम्स. ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.